ह्यूज, मतलब सही वाला ह्यूज होम डेकोर हॉल। इसमें मैं आपके साथ 25-26 आइटम शेयर करने वाली हूँ। अभी सब बॉक्सेस ऑलमोस्ट बंद ही है, साथ में ओपन करेंगे एंड देखेंगे कैसे आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ह्यूज होम डेकोर हॉल शेयर करने वाली हूँ। लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, होम रिलेटेड ही हैं सारी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपके घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर देंगे। कुछ अफोर्डेबल है, थोड़ा सा कुछ एक्सपेंसिव भी है, थोड़ा बनता है। तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको चेक कर लेना। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये वाले हॉल को मैं दिखाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज अभी सारे पैकेट ऑलमोस्ट बंद ही है। तो साथ में ओपन करेंगे, देखेंगे कैसा आया है। अगर आप लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि जब मैं हैदराबाद में शूट करती थी तो ऐसे बेड पे बैठ के ही करती थी। आज वो वाले दिन याद आ गए, अभी मेरा स्टूडियो काम चल रहा है तो इसीलिए मैंने कुछ होम डेकोर भी खरीदा है अपने स्टूडियो में लगाने के लिए। एंड कुछ बहुत ही एस्थेटिक से चीज़ें हैं, बहुत अफोर्डेबल भी है, 56 रुपीज़ से स्टार्ट है, 2000-3000 तक का है, 5000 का भी एक्चुअली जो मैंने शू रख ली है, सब रेंज में आज आपको होम डेकोर मिल जाएगा। तो फर्स्ट में जो आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये। अब लुक एट दिस, कितना ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है ये। इसका जो प्राइस आई थिंक 300 या 350 है, बट उस अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड बहुत अच्छे से फिनिशिंग हुआ है। एंड मैंने ऐसे सुना है कि आउल रखना घर में अच्छा होता है, मतलब सबके अपने 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 अलग अलग व्यूज होते हैं इसको लेके, बट मेरे को लगता है कि अच्छा है तो आप भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। पहले मैंने गूगल किया था तभी मैंने इसको परचेज किया। काफी सुंदर चीज है, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक वाली वाइब दे रहा है। इसमें मैंने कुछ ना ब्लैक एंड व्हाइट का एंड ग्रे का कुछ ज्यादा परचेज किया, बिकॉज मेरे को अपने स्टूडियो के लिए वो चाहिए था। अगर आपको नहीं पता तो मेरा स्टूडियो बन रहा है, साइड में भी मैं पिक्चर लगा दूंगी, मैंने खुद से वो पेंट किया है, उसका मैं जल्दी से आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी, तो वहां से आप उसको चेक कर लेना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट में जो आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये लालटेन। ये ना नॉर्मल नहीं है, इसमें यहाँ पे इसमें पूरा लाइट्स है अंदर। ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ओ लुक एट दिस, तो काफी सुंदर लगता है। येलो लाइट है, येलो लाइट काफी ऐसे एस्थेटिक वाली वाइब देती है। एंड इसका जो क्वालिटी वगैरह है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें ना ऐसे छोटे वाले भी आ रहे थे कलरफुल जो होते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, बट मुझे ये ज्यादा सुंदर लगा। एंड उसमें अलग से आपको कैंडल वगैरह रखनी होती है जो छोटे वाले होते हैं, इसमें अंदर से पूरा ये लाइट फिट है, बस जस्ट इसमें बैटरी वगैरह डल रहा है, बहुत टाइम से तक चल जाएगी, बिकॉज मैंने काफी पहले लिया था एंड अभी तक ये चल रहा है। नेक्स्ट अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये टेबल क्लॉक, टेबल वॉच चाहिए, लेकिन आई थिंक इसमें मुझे भी बैटरी डालनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैंने ये खोल लिया था लेकिन ना मेरे से इसका जो ये वाला पार्ट है ये अभी खुल नहीं रहा है, तो मेरे को इसमें थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी तब ये जाके खुलेगा। एंड इस ये काफी अच्छा है, यहाँ पर पूरे इसमें अलार्म वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे सब चीज है। इसमें साइड में पिक्चर लगा दूंगी, सारा सेट हो जाएगा एक बार इसमें अगर बैटरी लग जाएगी तो। मतलब साइड टेबल पे आप रख सकते हो अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और आपको सुबह नहीं उठा जाता, अलार्म आपको चाहिए एंड आपको कुछ एस्थेटिक एंड लाइट वेटेड सा वॉच चाहिए, तो आप इसको जरूर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आई थिंक इसका प्राइस 200 रुपीज के अप्रोक्स है, उस अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छा लगा। एंड ये ब्लैक कलर है तो इसका और भी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। कलर आई थिंक इसमें व्हाइट है एंड सिल्वर है, बट मैंने ये ब्लैक कलर में लिया। इस वाले हॉल में आपको ब्लैक कलर काफी सारा देखने को मिलेगा। ये मैंने जो ड्रेस वियर की हुई है ये भी ना अमेज़न की है, काफी अच्छी है, रिब्ड है। इसका मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है वो इसका नेक है, काफी सुंदर सा इसका नेक है, बट मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ ऐसे कुछ पेपर वाला ना पाऊ और मैं साथ में उसको भी काट दूं, बिकॉज ये वेट तो इसमें कुछ है। कुछ कम नहीं है, बहुत ही। मैंने सोचा था कि लास्ट टाइम मैंने ये वाले फ्लावर मंगाए थे लिली वाले, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 का मेरे को पूरा से बंच में मिला था। लेकिन अभी जो ये कलरफुल वाले लिलीज है इसमें जो मेरे को ये रिसीव हुए हैं, आई थिंक ये 300 समथिंग का है, मेरे को जो याद है, मुझे याद नहीं है। जो प्राइजेज होंगे ना मैं साइड में मैंशन कर दूंगी, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है कितने कितने का है। इसमें मेरे को ये 5 ही रिसीव हुए हैं एंड दो तो लुक दिस, सुंदर तो लग रहा है,
कलरफुल, इसमें ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन है, पिंक है एंड जो ये व्हाइट है ना इसमें कुछ ऐसे पिंक मिक्स है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही मिक्स करके मैं ये लगा लूँगी तो एक पूरा उसके अंदर मैं अगर डालूंगी पोट के अंदर तो सुंदर लगेगा ना, अच्छा लग रहा है काफ़ी। नेक्स्ट हम ओपन करेंगे ये वाला पैकेट बिकॉज ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो एक्चुअली नीचे रखा है। ओके, इसके अंदर जो आया है वो है, इसका ये कवर निकाल देंगे बिकॉज हाँ कवर इसका निकल जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे मैट फिनिश में है। ये बहुत सारे आए हैं, इतने सारे थे क्या, कुछ भी याद नहीं है पूरा ना। ये ऐसे ब्लैक कलर का, जैसे मैंने बोला व्हाइट एंड ब्लैक कलर का थीम है, इसमें गुड वाइब्स लिखा है, यू आर अमेजिंग, ड्रीम बिग लिटिल वन, एंड ये वाला पांडा, और ये किस चीज का सिग्नेचर होता है, ये तो लाइट का होता है क्या, पता नहीं किस चीज का साइन होता है, मेरे को बताना, मेरे को पता नहीं है किस चीज का होता है। एंड दिला दिया है मैंने, आई लव यू टू द मून एंड बैक, यार बहुत सही आया, मुझे नहीं पता था इतने सारे आएंगे, मेरे को लग रहा था कि ऐसे 1, 2, 3 का था, लेकिन इसमें आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिसीव हुए, एक मैं नीचे गिरा चुकी हूँ। अभी इसको देखना है कि मुझे कहाँ सेट करना है, जहाँ पे मेरे को ये अपना ब्लैक एंड व्हाइट वाला थीम रखना है उसी में मैं ये वाली सारी चीज़ें लगाने वाली हूँ, बिकॉज तभी इसका पूरा जैसे मैंने सोचा था वैसा वाला ये आने वाला है। इसकी ना पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी जो ये मैंने मंगाया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे आप लगा सकते हो, बिकॉज अभी तो मेरा स्टूडियो बन रहा है तो अभी तो मैं ये नहीं लगाने वाली हूँ, बाकी जब पूरा बन जाएगा तो स्टूडियो का टूर आपको ज़रूर कराऊंगी। नेक्स्ट अब हम जो खोलेंगे वो है ये वाला, मुझे लग रहा है कि एक तो पैकेट ना अभी रह गया, बिकॉज मैंने एक बहुत बड़ा सा फेक प्लांट मंगाया था पाम का, वो मेरे को यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है अभी, तो वो मेरे को पैकेट ढूंढना पड़ेगा कि शायद वो मैं इधर उधर रख दिया होगा मैंने। इसके अंदर भारी है, ये पूरा ऐसे फेस बना हुआ है, आपको आई होप दिख रहा हो, ये ऐसे नोज है एंड ये ब्लैक कलर में है, अगर ये मैट में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, ये थोड़ा से मैट फिनिश नहीं है, शाइन वाला है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे प्राइजेस अवेलेबल थे, आई थिंक मैंने ये 500 रुपीज़ या 400 रुपीज़ का लिया है, सेम ऐसा 1600 का भी था, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्या है, बट मैंने सोचा कि पहले ये वाला ले लेती हूँ। एंड ये वाइट से अच्छा लग रहा है बट कलरफुल से अच्छा नहीं लग रहा है, बट सही है ये ना, नॉर्मल हम सिंपल ऐसे बिना फ्लावर के भी रख सकते हैं तो काफी अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर सा लगने वाला है ये। ये वाला रख के देखिए क्या, नहीं जा रहा है ये इसमें, बट ये हैवी है, मतलब बहुत हल्का नहीं है, अच्छा खासा इसमें वेट है। नेक्स्ट अब जो पैकेट खोलेंगे वो एक ये है, बहुत ही हल्का सा है, मुझे एग्जैक्टली सच्ची बताऊँ ना कि याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। ओ ये तो बहुत ही एस्थेटिक वाला चीज़ है, इसमें इस वाली वीडियो में आपको बहुत सारे एस्थेटिक सुनने को मिल जाएगा। सच ना है मुझे, मैंने तोड़ दिया है क्या इसको, ओ काम की चीज नहीं है, हर जगह से टूटती जा रही है ये, अब यहां से निकल गया है, बट अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है ना ये वाली प्लास्टिक की, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसे जैसे छोटे बच्चों वाले मिरर नहीं होता उसके नीचे प्लास्टिक की क्वालिटी होती है, वैसा वाला है ये, बट रखा हुआ कहीं भी रखोगे ना तो बहुत सही लगेगा। प्राइस इसका 500 रुपीज़ है शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट लुक वाइज बहुत अच्छा है, ऐसे पुराने जमाने वाला पूरा ऐसे लग रहा है, जैसे राजा महाराजा के यहाँ ऐसे
महल में रखे होते थे ना शीशे, ये उस टाइप का है। मेरे पैकेट्स अभी रह गए हैं, पैकेट्स देख के आती हूँ। मैं बोल रही थी ना कुछ पैकेट्स रह गए हैं, मुझे याद था। सबसे बड़ा ये वाला ही प्लांट है जो मैंने लिया है, कटर का है। अगर मैंने जैसे सोचा है ना वैसे ये पूरा मेरा स्टूडियो हो गया ना, तो सही बता रही हो यार, बहुत सही लगने वाला है। मैंने बहुत शिद्दत से, पहली बात तो अपना वो मिरर बनाया है जो मैं बहुत टाइम से ऐसे बनवाने का ट्राई कर रही थी, जो कहीं नहीं बन रहा था, बहुत ही शिद्दत के साथ वो बना है। ओके, इसमें ये पाम के लीव्स अलग आई हैं एंड ये इसके स्टिक्स हैं, और ये साथ में से ब्लैक कलर का एक पोट आया है ब्लैक कलर का। तो ये पूरा का पूरा मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, अभी तो मैं नहीं लगा रही बिकॉज अभी मुझे पैक करके रखना है, जब मेरा पूरा वो रेडी हो जाएगा तभी मैं इसको लगाऊंगी। बाकी साइड में आपके साथ पिक्चर लगा दूंगी कैसा आया है। इसका प्राइस 1000 रुपीज है, बट 1000 रुपीज में इसका जो लेंथ है हमें, ये इसमें झुकेगा कैसे बिकॉज ये तो खाली है। और भी कुछ आया क्या? कुछ देखना पड़ेगा बिकॉज इसमें तो ये नहीं रुकने वाला है। ये लीव्स तो मैं इसमें लगा दूंगी बिकॉज इसमें यहाँ पे ऐसे है। लेट्स सी, देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो मैं कर दूंगी शेयर आपको। नेक्स्ट, अब हम ये वाला पैकेट ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है, बिकॉज ये सारी चीजें ना मेरे को अभी रिसीव हुई है एक साथ। इवन अभी मैंने एक ना स्टूल मंगाया बिकॉज मेरा जो मैंने अपनी स्टूडियो की वॉल कराई है ना, वो ऐसे कुछ पिंटरेस्ट वाली कराई है, पीच कलर में है, तो थोड़ा उस कलर को कॉम्प्लीमेंट करे तो मैंने एक ना स्टूल टाइप मंगाया, सिटिंग स्पेस है। अगर वो तब तक आ जाता है जब तक मैं ये एडिट करूंगी, तो मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, मैं कौन से स्टूल की बात कर रही हूँ, कैसा वो आया है वो साइड में लगा दूंगी, वहां से आप देख लेना। वो बहुत लाइक ऐसे बिल्कुल प्रॉपर एस्थेटिक वाली वाइब दे रहा है बिकॉज वो उस कलर को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड वो राउंड एंड स्क्वायर दोनों में है, बट मैंने स्क्वायर में लिया है। एंड उसका जो प्राइस है वो 3000 के नहीं 2500 के अप्रॉक्स है, लेकिन वो काफी अच्छा लग रहा था। ओके, लुक एट दिस, ये बहुत छोटे छोटे से लाइक ऐसे ना, मैंने रियल भी ना बहुत टाइम तक तो नहीं चल सकते, तो मैंने ये कुछ आर्टिफिशियल में ले लिया है। एंड ये इसकी जो फिनिशिंग है ना सीरियसली बहुत अच्छी है, ऐसे तो कोई भी वास के अंदर उसको लगा सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड ये मैं सोची थी थोड़ा कम आएंगे, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी आई है वो काफी सारी है, बहुत कम नहीं है। एंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, और नॉर्मल ये मतलब जो कोलिन होता है उससे ये वॉश भी हो जाएंगे, मतलब उसको मतलब साफ हो जाएंगे, जरूरत नहीं है इनको ज्यादा इसमें मेहनत करने की। तो काफी सुंदर लग रहे हैं ये जो फ्लावर आए हैं, फेक फ्लावर्स। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कौन सा पैकेट ओपन करें। इसके अलावा मैंने ये एक बड़ा सा स्टूल भी मंगाया है, साइड में पिक्चर लगा दूंगी मैं। ये काफी सही आया है, ये बहुत हैवी है, अभी नहीं निकल रहा है, मैं साइड में पिक्चर लगाऊंगी कैसा आया है। और ये कैसा है, थोड़ा सा ये जो हॉल है ये थोड़ा मैसी हो गया है बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर वो जो मैंने अभी ओरिजिनल वाला प्लांट था वो मुझसे निकला ही नहीं है, उसकी सारी मिट्टी मैंने अपने बेड पे डाल दी है। ये स्टूल मुझसे निकल नहीं रहा है बिकॉज बहुत हैवी है ये, कितना भी मैं ट्राई कर रही हूँ उसके बाद नहीं निकल पा रहा है। इसकी पिक्चर में साइड में आपके साथ मेंशन कर दूंगी, तो वहां से देख लेना प्लीज थोड़ा सा। बाकी जो पिक्चर्स एंड फोटोज है वो सब आपको मिल जाएगी साइड में। तो ये था सारा कलेक्शन, पूरा पसीने में भीग गई हूँ, ये पूरा यहाँ से पूरे स्कैल्प में ऐसे पसीने चलने लगे हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड इसके अलावा मैं आपके साथ वुडन वाली रैक का लिंक शेयर करूंगी, जिसके साथ मैं शूट करती हूँ ना, मांगते रहते हैं उसका लिंक, वो काफ़ी अच्छी है। एंड वुडन वाले हैंगर जो उसके साथ मैं यूज़ करती हूँ वो भी बहुत ऐसे, अगर अलमीरा वगैरह में आप अपनी वार्डरोब का हैंगर चेंज करना चाहते हो उनको चेंज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो शू रैक है, आजकल आपने देखा होगा कि मैं शूट कर रही हूँ जो पीछे रख के, वो वाला शू रैक भी मैंने अमेजोन से लिया था, आई थिंक वो 5000 के अप्रॉक्स था, लेकिन वर्थ इट है। उसमें काफ़ी सारे लाइक ऑलमोस्ट मेरे 20-30 पेयर आ जाते हैं उसमें, हील्स एंड शूज़ के, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसके अलावा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, मतलब ऐसे बहुत बेकार नहीं लगता है, ऐसे शू रैक वाला वाइब नहीं देता है, काफ़ी अच्छा लगता है वो। वहाँ पे कहीं भी आप अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में कहीं भी रख सकते हैं। उसमें एक मेरा वाला जो है वो डार्क ब्राउन कलर, उसके अलावा 2 शेड्स और अवेलेबल है, उसका आप चेक कर लेना जो भी आपके
घर के जो वॉल है उसके अकॉर्डिंग जो मैच करे वो वाला कलर आप ले सकते हो। इसके अलावा मैंने वुडन एक स्टूल लिया है बहुत छोटा सा, साइड में कुछ ऐसे फ्लावर वगैरह रखने के लिए, पोट वगैरह रखने के लिए। वो वाला लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बिकॉज अभी मैं इसके बाद आपके साथ BTS शेयर करूंगी, देखना मेरा बेड की क्या हालत हो गई है। तो या अरे एक चीज और रह गई, मैंने ना एक ड्रीम कैचर भी तो लिया था ना, हाँ या दिस वन, ये भी ना अभी मेरे को धीरे धीरे सारी चीजें याद आ रही हैं। दिस वन, ये भी ऐसे ब्लैक कलर में मैंने लिया है, इस जस्ट ब्लैक एंड वाइट है, लुक एट दिस, प्रिटी ना। तो या अब देखते हैं कि कैसा कॉर्नर बनने वाला है। इतनी सारी चीज़ें मैंने ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट ले तो ली, आई होप अच्छा लगे सारी चीज़ें जो मैंने ली है। लिंक सारे प्रोडक्ट के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको चेक कर लेना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रही हो, बिल्कुल मैंने एकदम रॉ वीडियो आपके साथ शेयर की है। अभी मैं नीचे बैठी हूँ, लाइक नीचे ऐसे नीर के ऊपर, तब बिकॉज पीछे सारा फैल गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो ना, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके। एंड आपको कुछ भी इसके अलावा कुछ पूछना हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और एक प्लीज़ 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 एक हार्ट जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।